I Can think we our start the sister. sing? Yes, I think our sister lost her internet connection. Please. Okay, so we can अंधेरी sing? ते तूफान सब ये सुठ लेना, अंधेरी ते तूफान सब ये सुठ लेना, इथे निशता ना तेरा जोर चलेना, इथे निशता ना तेरा जोर चलेना, सच्चे अगे पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे थे बलने नहीं, सच्चे अगे पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे थे बलने नहीं, पै जाना तेनू वे मैदान छड़ना, पै जाना तेनू वे मैदान छड़ना, इथे निशता ना तेरा जोर चलेना, नेरी ते तूफान सब यसु ठले ना, इथे निशता ना तेरा जोर चलेना, चली पैन रावा विच पावे नेरिया, ढकनी हो सकदिया कुम्मन केरिया, चली पैन रावा विच पावे नेरिया, ढकनी हो सकदिया कुम्मन केरिया, जाना असा उते जिते सुकले ना, जाना असा उते जिते ये सुकले ना, एथे निशता ना तेरा जोर चले ना, हनेरी ते तूफान सब ये सुकले ना, एथे निशता ना तेरा जोर चले ना, दुख ते मुसीबतां भी टल जांदियां, रोगां दियां रस्सियां खुल जांदियां, दुख ते मुसीबतां भी टल जांदियां, रोगां दियां रस्सियां भी खुल जांदियां, लहू यसू वाला जिथे लहू यसू वाला जिथे जिथे लगी ना, एथे निशता ना तेरा जोर चले ना, हनेरी ते तूफान सब यसु टले ना, एथे निशता ना तेरा जोर चले ना, एथे निशता ना तेरा जोर चले ना, एथे निशता ना तेरा जोर चले ना, अमीन अमीन Amen. 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 Rushdie? Yes, his pastor. You guys go ahead. Sister Ashta, haan ji, aap please kahiye ji. Ji, thank you, sister. Thank you, pastor. Yeah, speaker on karo. Speaker on karo. Okay. Chale ho tum khuda ke saath, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुखड़ा है, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, हालेलुया खुदा की बात तुम सुन लो, रास्ता सुखड़ा है, बतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुन लो, रास्ता सुखड़ा है, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, खुदा का रू सिखाएगा, खुदा का रू बताएगा, खुदा के रू की सुन लो बात, रास्ता सुखड़ा है, खुदा का रू सिखाएगा, खुदा का रू बताएगा, खुदा के रू की सुन लो बात, रास्ता सुखड़ा है, चलो चले
यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ, हालेलुया 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 हालेलुया, खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सुखड़ा है, खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सुखड़ा है, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू लेडीज, दैट वाज वेरी नाइस। Do you have one? Do you have one more song? Oh, okay. Tera kalam is zamane mein ae khuda banda, tera kalam is zamane mein खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने खुदा वंदा, तेरे कलाम ने रातों का रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों का रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने खुदा वंदा, तेरा कलाम है शोला भी आरिश बेनंबी, तेरा कलाम है शोला भी आरिश बेनंबी, तेरा कलाम है अनमोल खुदा वंदा, तेरा कलाम है अनमोल खुदा वंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा, न था वजूद किसी शय का जब जमाने में, न था वजूद किसी शय का जब जमाने में, खुदाया तू था
तेरे साथ तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदावंदा। आमीन। Thank you very much. Thank you too, Pastor. You're welcome. So I think Nazir said that he would like to do a song. So if you can turn on your camera and lead us in a song. Can you translate that, please, sister? I'm sorry, my Wi-Fi and my internet connection is lost. Yes. Yes, I feel. Now I'm come back. जिस किसी को खुदावंत का रूह हिदायत करता है वो प्रस्तुति में लीड कर सकता है। Good evening, everyone, and good morning. Who does? I'm gonna touch. Who does have a my morning? Pastor, good morning. Good morning. Good morning. You have a good morning. You yes, coming morning na. And abhi main zabur gaungi 103. आवाज आ रही है, पंखे की आवाज तो नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैं वो पंखे की आवाज डिस्टर्ब करती हूँ। जी बाजी प्रस्तुत करें आप। दुआ है मेरी जन्म बारी खुदा है, दुआ है मेरी जन्म बारी खुदा है, दियो से दाई नाम पड़ी सरसदा है, दियो से दाई नाम पवित्र सदा है, तू आखाए मेरी जान कदी भी ना कदी परीक्षा ओ दियां कदी भी ना बख्शा तू क्या मेरी जान बारी खुदा है, तू क्या है मेरी जान बारी खुदा है, तू है मेरी जान तेरे सारे पापानु ओ है मिटांदा, तेरे सारे पापानु ओ है मिटांदा, तेनू सारे रोगा तो देंदा शफा है, सारे रोगा तो देंदा तेनू सारे रोगा तो देंदा शफा, जान तेरी जान तो बचांदा, तेरी जान नु मौत तो बचांदा, तेनू ताज रहमत करदा आता है, तेनू ताज रहमत करदा आता है, तू आखे जान तेनू चंगियां चीजा नाल ओ है रहमान, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है,
मेरी जा अकाबा देवांगर तेनू दोत देके अकाबा देवांगर तेनू जोर देके ओ तेरी जवानी नू कर दाने ओ तेरी जवानी नू कर दाने है तू आखे मेरी जान हाँ सब दुनिया कंगाला दे ले आपी हाँ सब दुखियां कंगाला दे ले आपी ने नाल सच्ची आई कर दा खुदा है ने नाल सच्ची आई कर दा खुदा है तू आखे मेरी जान आया है अपना मूसा उसने दिखाया है अपना मूसा उसने बनी इसराइल दा ओ रहनुमा है बनी इसराइल दा ओ रहनुमा है तू आखाए मेरी जान। ये जो आखिरी मिसरा है ये थाईलैंड वालों के लिए है और वो उन लोगों के लिए है जो मुसीबत में हैं और खुदा जो है मूसा की तरह पास्टर भेजते हैं जैसे पास्टर सी वर्ड है ये आते हैं और कलाम सुनाते हैं और जो है हम लोग बनी इसराइल की तरह जो है उनका कलाम सुनते हैं तसल्ली पाते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर and Amen. God bless your family also. Thank you everyone. Thank you. God bless you everyone. Thank you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सिस्टर शिगुप्ता से कि सिस्टर शिगुप्ता एक दुआया कोर्स गाएं और उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। सिस्टर गुप्ता आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है, मैं वो एक्चुअली पेज तलाश कर रही थी। ओके ओके तेरे रू से खुदावन खुदा तेरे रू से खुदावन खुदा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह
बन जाएगा तेरे रू से, तेरे रू से, तेरे रू से खुदावन खुदा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रू से, तेरे रू से, तेरे रू से खुदावन खुदा, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रू से, तेरे रू से, तेरे रू से खुदावन खुदा, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, कुल जम भी सामने से हट जाएगा, कुल जम भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रू से, तेरे रू से, तेरे रू से खुदावन खुदा, तेरे रू से, तेरे रू से, तेरे रू से खुदावन खुदा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे कि जब खुदा का बंदा बोले तो हमारी जिंदगियों में आज काम हो, हमारे खानदान बहाली पाए, हमारे खानदानों में आज इब्लीस के बंधन टूटे, मेरी जिंदगी में आज खुदा का कलाम असरियत से काम करे। हालेलुया, आसमानी बाप यीशु के नाम में तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तो सारे वक्त में शामिल हाल रहा, तेरी हजूरी यहाँ पे मौजूद है, हम इस बात के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। मैं तेरे खादिम को तेरे लहू में छुपा देता हूँ खुदा, तेरी प्रोटेक्शन चाहता हूँ यीशु के नाम में, जितनी देर तेरा बंदा तेरे मजबा पे खड़ा बोलता रहे खुदा, तेरी हजूरी यहाँ पे रहे खुदा, अब्लीस के बंधन टूटे खुदा, आज बंजर जमीन में तेरे कलाम के वसीला से जरखेज होना शुरू हो जाए खुदावंद, जहाँ कहीं तेरा कलाम सुना जाए जिंदगी आ जाए खुदावंद, जिंदगी जारी हो खुदा, तेरे बंदा के वसीला से खुदावंद, अपने बंदा को हिकमत दे के इस्तेमाल करना, तेरी रूह की हिदायत से खुदा, तेरा बंदा पाकदा जो बोले खुदा, तेरे नाम को जला मेरे खुदा, सिस्टर शुगुप्ता को तेरे हाथ में देता हूँ खुदा, अपनी बेटी को जो सारे इंटरनेट के खुदा मसले पे तेरे हाथ को चाहता हूँ खुदा, तुम
खुदा पलट कर खुदा यीशु के नाम में आज खुदावंद तेरी हुजूरी यहाँ पे लगे खुदावंद और इब्लीस शर्मिंदा होता कि तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। सिस्टर जी गुप्ता यस माजरत खा हूँ कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई सडनली एकदम से दोनों चीजें बंद हो गई। I feel very sorry because my internet gone and I was stuck. I feel regret and we pray for the safety and the continuous connection of internet so that we can. और मेरी request है सबसे के सारे अपने माइक को कलाम के दरमियान ऑफ रखें और जो जो आपकी prayer request है वो नीचे chat box में आप लिख सकते हैं। I request all of you that you keep your mics off and if you have any prayer request you can write in the chat box so that at the end of the meeting we can pray for them on to waqt ko zaya kiye bina hum apne mics ko on karenge ek minute ke liye aur sare taaliyan baja ke pastor Stewart ko aur khuda ki kalam ko welcome karenge welcome pastor Stewart welcome over to pastor Stewart Well, welcome. Welcome everybody to be here. I'm coming to you from Canada today. Oh, aap sabko khush aamdeed aaj ki is meeting mein aur main Canada se aaj meeting le raha hoon. So I spent Tuesday and Wednesday traveling, so I'm still not in my full form yet. maine mangal aur budh ko safar kiya aur yahan pahuncha hoon aur abhi tak main apne पूरे जोश में नहीं आया मीटिंग लेने के लिए लेकिन तो भी मैं हाजिर हूँ। I had to get up at 4 o'clock this morning to be with you, so I'm still थोड़ा सा स्लीपी महसूस कर रहा हूँ लेकिन ठीक है। But it is a joy to be with you once again. लेकिन मुझे फिर खुशी है कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। I love all the wonderful singing. Thank you very much for each one of you. मैं आप सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे बहुत प्यार करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद है हर एक से And I pray that the Lord would bless our time together here as we study His Word. और मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको बरकत दे जैसे हम उसके कलाम को सीखते पढ़ते हैं खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे So today we are on the last chapter of the book of John, chapter 21. आज हम यूहन्ना की अंजील के आखिरी बाब पर हैं जो कि बाब नंबर 21 है So if you could read down to the end of verse 14, please, that would be wonderful. Okay. 21वें बाब की पहली आयत से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और कलाम-ए-मुकद्दस में यूं लिखा है इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिबरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया शमौन पत्रस और तूमा जो तुआम कहलाता है और नतनेल जो कानाई गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से दो और शख्स जमा थे शमौन पत्रस ने उनसे कहा मैं मछली के शिकार को जाता हूँ उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए मगर उस रात कुछ ना पकड़ा और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है बस यीशु ने उनसे कहा बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है उन्होंने जवाब दिया कि नहीं उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके इसलिए उस शागिर्द ने जिसे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है बस शमौन पतरस ने ये सुनकर के खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी यीशु ने उनसे कहा जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा यीशु ने उनसे कहा आओ खाना खा लो और शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी
इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। आमीन। Amen. So the disciples were in a position where they were very confused. अब शागिर्द एक ऐसी कैफियत में थे जहां पर वो बड़े कंफ्यूज थे और बड़े परेशान हाल थे। We talked about this before, you know, Jesus was their Messiah. They were thinking that everything was going to change with him, but then he died and he went to the grave and he rose again and they didn't know what to do. आप जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब खुदावन यीशु मसीह शागिर्दों के साथ थे तो वो बड़े खुश थे और बड़े मुतमईन थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मसीह हमारे साथ है और उन्हें कुछ नहीं होगा और वो हमेशा महफूज रहेंगे। लेकिन फिर अचानक यीशु मर गया और फिर वो दफना दिया गया और अब तक वो इसी कैफियत में है, परेशानी की कैफियत में, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। So they turned to the only thing that they knew. So, वो उसी बात की तरफ फिरे जो उन जो सिर्फ वो जानते थे। And they went back fishing on the Sea of Galilee. और वो दोबारा मछलियां पकड़ने के लिए अपने काम पर चले गए। Here says the Sea of Tiberias, but the Sea of Tiberias and the Sea of Galilee, it's the same place. यहाँ पर तिब्रियास की झील का जिक्र किया गया है और जो गलील की झील और तिब्रियास की झील एक ही बात है। Now, this is quite typical what happens to us many times. ये बड़ी आम बात है जो अक्सर हम में से हर एक के साथ पेश आती है। That when we lose our way with Jesus, where we're not sure what we're supposed to be doing or where we're going. कि जब हम खुदावन यीशु मसीह के बगैर जिंदगी बसर करते हैं, तब हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, हमें समझ नहीं आती कि क्या करें, हम क्या करने जा रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। We go back to the place that we know and where our comfort is. और फिर हम वापस अपनी जगह को फिर जाते हैं और वही काम शुरू कर देते हैं जिसको हम अच्छे से जानते हैं करना। But our comfort is not the place usually where God wants us. लेकिन जो हमारी आरामदेह जगह है जहां पर हमें सुकून मिलता है, वहीं पर खुदा नहीं चाहता कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही हर वक्त रहें, बल्कि वो हमें निकालना चाहता है वहां से। So the situation with most of these guys, they spent all their life working on the sea fishing. So that's what they went back to. और यहाँ पर जो शागिर्द थे, इनमें से ज्यादातर शागिर्द ऐसे थे जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी मछलियां पकड़ने में गुजारी, दरिया के किनारे गुजारी, और अब भी जब यीशु उनके साथ नहीं है तो वो वापस अपने काम को फिर गए मछलियां पकड़ने में और इसी काम में लग गए। But it was not what God had intended for them. लेकिन खुदा की ये मर्जी नहीं थी, खुदा ने उनको इस काम के लिए तैयार नहीं किया था। Now it's interesting, whatever the Lord has a plan for them, they go out fishing all night and they catch nothing. और फिर यही हुआ, जब यीशु उनके साथ नहीं था तो उन्होंने सारी रात तो मेहनत की थी लेकिन कोई मछली नहीं पकड़ सके क्योंकि यीशु नहीं था साथ। When they first met Jesus, this happened, and now again it's happened. Once again, they caught nothing. जब वो यीशु के साथ थे तब बड़ी कसरत हुआ करती थी मछलियों की, लेकिन अब क्या था, सारी रात मेहनत के बावजूद कुछ हाथ नहीं आया। But like last time, when they drawed close to the shore, he said, put your nets down for a catch. And they caught so many huge fish. लेकिन अब जब दोबारा मसीह उनके दरमियान आ मौजूद हुआ तो उसने कहा कि जाल डालो, तो वो डाला और इतनी बेशुमार मछलियां आईं कि वो उनसे खींचा नहीं जा रहा था जाल। The first time they caught many fish that filled two boats. पहली बार था कि इतनी मछलियां आ गईं कि उन्होंने दो कश्तियां भर ली थी। But this one was a very specific catch in that it was all large fish. लेकिन ये एक बड़ा खास वक्त था जिसमें उनको बड़ी मछलियां मिली थी, साइज में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी। Why would God have them catch big fish at this time? इस दफा खुदावन यीशु के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी मछलियां कैसे पकड़ ली? Well, anybody who's been a fisherman knows when you're fishing, what you want to catch is a big fish, not a little fish. और अगर जो मछेरे हैं, उनकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि जब भी मछली कोई हाथ आए, तो वो बड़ी मछली हो, छोटी नहीं। And so when they put down their net, Jesus called the big fish to their net. और जब यीशु ने उनसे कहा कि जाल डालो, तो उन्होंने बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल खींचा।
Now, it's very interesting the way Jesus dealt with them here. ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अब खुदावंद यीशु ने उनको ये हुक्म दिया और उन्होंने वो किया. He didn't approach them and criticize them for what they were doing. यीशु ने उनको कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्या बनाया था, तुम क्या बन गए हो, फिर से मछलियां पकड़ रहे हो. He didn't confront them and say, "What are you doing out here as a fisherman? You're not a fisherman anymore." यीशु ने आके उनको कभी नहीं झिड़का डांटा या गुस्सा किया कि ये क्या कर रहे हो तुम, फिर से मछलियां पकड़ रहे हो, मैंने तो तुम्हें आदमगीर बनाया, तुम फिर से मछलियों की तरफ आ गए हो. Instead, he has them put down their nets and they catch these 153 huge fish. लेकिन इसकी बजाय उसने कहा कि आप जाल डालो तो देखोगे. उन्होंने डाला और 153 बड़ी मछलियों का भरा हुआ जाल खींचा. This is probably a catch that they had been dreaming about for the years that they were on a boat. ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा माल उनके हाथ में आया था जिसके लिए वो अपनी सारी जिंदगी ख्वाब देखते रहे कि एक ऐसी बड़ी मछली हमारे जाल में आए. Dreaming about having a whole net full of huge fish coming in. हमेशा ख्वाब ही देखते रहे होंगे कि बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल खींचा जाए. But Jesus didn't ridicule them, right? लेकिन खुदा ने कभी उनका, जीसस ने कभी उनको झिड़का नहीं, डांटा नहीं इस बात से. Instead, he invited them to come and have breakfast with him that he cooked. इसकी बजाय उन्होंने उसको, उनको दावत दी कि आओ और यहाँ जाल डालो तो फिर देखो बरकत पाओगे. Here they had all these fish, like 153 huge fish. What an amazing day it turned out. यहाँ पर देखें कि कैसी बड़ी बरकत उनको मिली यीशु का हुक्म मानने की कि 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल था. I'm pretty sure they were probably thinking, well, I think we're supposed to be fishing. If we're going to be catching fish like this all the time, we should be fishing. मेरा ख्याल है कि हर कोई ये सोचता होगा कि हाय, मैं भी मछेरा होता, मैं भी मछलियां पकड़ता, इतनी बड़ी बड़ी मछली मेरे हाथ में आती. But as they ate with Jesus, लेकिन जैसे उन्होंने यीशु के साथ खाया, Jesus started to speak to them. Again, please. As they ate with Jesus, Jesus started to speak to Peter. जैसे उन्होंने उनके साथ, यीशु के साथ खाना शुरू किया, यीशु ने पतरस को मुखातिब किया. They finished eating. Jesus takes Peter off to the side. जैसे उन्होंने अपना खाना खत्म किया, यीशु पतरस को एक साइड पर ले गया. And he says a statement to him. He says, "Simon, son of John, do you truly love me more than these?" तो उन्होंने शमौन पतरस से कहा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? What are the these that he's talking about? ये बात क्या थी जो यीशु ने उससे कही? Is he talking about the people, the disciples? क्या वो अपने शागिर्दों से ये बात कर रहा था? No, I think he's talking about the 153 big fish they just caught. नहीं, मेरा ख्याल है कि वो 153 मछलियों की बात कर रहा था जो उन्होंने पकड़ी थी. I mean, for a fisherman, that would have been like, that was probably 6 months catch right there, right? For a fisherman, that was probably 6 months worth of catch. No, it's a glitch in the internet, please. I can't. Okay, how was that? How was that? Oh, it's okay now. For a fisherman, that was probably 6 months worth of catch here that they caught in one day. मेरा ख्याल है कि कोई भी मछेरा 6 महीनों में इतनी मछली पकड़ पाता होगा जो उन्होंने एक दिन में पकड़ ली थी. This is how the world entices us. यही वो चीज है जो दुनिया देखना चाहती है. It tries to take us to that which is familiar. It tries to take us to that which is familiar. वो हमें ऐसा ही करना चाहता है जैसा हम अभी हमने पढ़ा है. And then it tries to lure us by having a great net full of fish. वो चाहता है कि हम में से हर एक के पास ऐसा नेट हो जो मछलियों से भरा हुआ हो. But we must remember that as Jesus said in John 14. Or John chapter 10, verse 10.
हमें सबको याद रखना चाहिए यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में that the thief comes to steal, kill and destroy all the time. क्योंकि चोर आता है लेकिन नकब लगाने और हलाक करने और चोरी करने. So as they seen these fish as a great blessing, they think God is just looking down upon them. लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि इतनी मछलियां आ गई हैं, तो वो उस पर गौर करना शुरू हुए और उन्होंने उसको देखा. Yes, it was Jesus that put those fish in the net, but the devil wants to use it to lure us away from Jesus. हाँ, और यीशु ने उनकी मछलियों, उनके जाल को मछलियों से भरा था. लेकिन इब्लीस हमेशा कोशिश करता है कि वो आए और वो उस मछलियों को, उस बरकत को जो उसने लोगों को दी है, उनको उसको छीन ले जाए. So then when Jesus is speaking to Simon, he says, Simon, do you love me more than these? तो इसलिए यीशु ने पत्रस से पूछा था कि क्या पत्रस तू मुझसे प्यार करता है? ये पूछना चाहा था कि इन मछलियों से ज्यादा मुझसे प्यार करता है? Do you love me more than the riches of this world? क्या तू मुझसे इस दुनिया की बेशुमार जो दौलत बरकत है उससे ज्यादा मुझसे प्यार करता है? Do you love me more than what this world can give you? क्या तू मुझसे उस सब से जो दुनिया तुझे देगी उससे ज्यादा प्यार करता है? He wants to know where Simon's heart is, right? वो जानना चाहता था कि पत्रस का दिल कहाँ धड़क रहा है. This question is not only for Simon, but it is also a question for each one of us. शमौन पत्रस के लिए ही सिर्फ ये सवाल नहीं था, आज यीशु आपसे और मुझसे भी ये सवाल कर रहा है. Where, what are you spending your time on? What is it that you are doing? क्या चीज है जिस पर आप अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं, और आप क्या चीज है जिससे आपने दिल लगाया है? Do we love what we're doing more than we love Jesus? क्या आप उससे जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं या यीशु से प्यार करते हैं? He was speaking to Peter because Peter was the one that he was calling to lead the other people. वो उसने पत्रस से ये बातें इसलिए कहीं क्योंकि यीशु ने पत्रस को ही बुलाया था और कहा था कि छोड़ दे ये काम, तू लोगों की को लीड करेगा, आदमगीर बनेगा. So when Simon answers, yes, Lord, you know that I love you. जब पत्रस ने ये जवाब दिया कि हाँ खुदावन, तू जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ. Then he says, feed my lambs. तब यीशु ने उससे कहा कि मेरी भेड़ें चरा. Who is the one that is in charge of feeding the lambs? कौन होता है जो भेड़ों को चराने वाला होता है या भेड़ों को खिलाने वाला होता है? That's the job of a shepherd. ये एक चरवाहे की का काम है. It's the shepherd's job to make sure that the sheep have food to eat. ये चरवाहे का काम है कि वो देखे कि उसकी भेड़ों ने खाना खाया है या नहीं. So what Jesus was saying to Peter, so जब खुदावंद यीशु पत्रस से बात कर रहे थे, I have not called you to be a fisherman. मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू मछेरा बने. Even though you've caught all these fish, this is not what I've called you to do. हत्ता कि तूने ये इतनी सारी बड़ी बड़ी 153 मछलियां पकड़ ली हैं, तो भी मेरा मकसद मछलियां पकड़ने वाला बनाना नहीं है. If you love me, don't be looking at those 153 fish in the net today. अगर तू मुझसे प्यार करता है, तो आज ये 153 बड़ी मछलियों की तरफ मत देख. But feed my lambs. बल्कि मेरी भेड़ें चरा. Feed the children of God. खुदा के बच्चे बन जाओ. Be the shepherd that you've been called to be, right? ऐसा चरवाहा बन जाए जिसकी बुलाहट है आपको, जो जिसके लिए आप बुलाए गए हैं. Now it's interesting when you look at this because Jesus repeats this to Peter 3 times. ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि यीशु ने 3 मर्तबा पत्रस को बुलाया. But only in the first time does he say, "Do you love me more than these?" लेकिन ये पहली मर्तबा था जब खुदावन यीशु ने पत्रस से पूछा कि क्या तू मुझसे इनसे ज्यादा प्यार करता है. I believe
Jesus allowed those 153 fish to come into the net to show Peter where his heart truly was. मेरा ख्याल है कि 153 बड़ी मछलियां उसको देने का मकसद यीशु का यही था कि वो जाने कि उसका दिल किस तरफ लगा हुआ है, उन मछलियों की तरफ या मेरी तरफ. Because we need to come to a point where we trust in God more than we trust in the things of this world. हमें इस नतीजे पर पहुंचना है कि हमें खुदावन यीशु से मोहब्बत करनी है बजाय इसके कि हम ये दुनिया और इसकी चीजों से प्यार करते रहें. We cannot be effective working in the kingdom of God if our eyes are set on the kingdom of this world. हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते अगर हमारी निगाहें दुनिया और उसकी दौलत पर लगी रहेंगी तो. So the first time he's asking, do you love me more than the things that this world can give you? इसीलिए वो पत्रस से पूछ रहा है कि क्या तू मुझसे इस दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करता है? Then he's going in and he's saying, do you truly love me? इसी वजह से उसने उससे पूछा कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? No, I believe Jesus is asking him, do you love me more than you love yourself? इसीलिए उसने पूछा कि आय शमाउन क्या तू मुझसे इनसे ज्यादा मोहब्बत रखता है? Are you willing to lay down the things that you desire in your heart and follow what I am leading you to do? क्या तू वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है जो इस वक्त तेरे पास है और तू मेरे पीछे आए और मेरी भेड़ें चराए? And he says, feed my sheep. Sorry, please again. He said, feed my sheep. उसने कहा कि तू मेरे बर्रे चरा. And then a third time he says to him. और फिर तीसरी मर्तबा फिर उसने पूछा. Do you love me? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? Now Peter's starting to get hurt. अब जो पत्रस है ना वो थोड़ा जुजबुज होना शुरू हो गया, उसको कुछ समझ आनी शुरू हुई. Because Jesus keeps asking him this over and over. क्योंकि खुदावन यीशु उससे बार 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 एक ही बात पूछते जा रहे थे. But we can understand why Jesus is doing this because Peter was the one who said to Jesus. क्योंकि हमें ये बात समझने की जरूरत है कि उसने इसलिए उससे बार बार पूछा क्योंकि खुदावन यीशु पत्रस से अजीज रखते थे उसको, पत्रस को. I will follow you wherever you go, even unto death I will follow you. तो फिर उसने कहा कि तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ. But Jesus said to him, this night you will deny me 3 times before the rooster crows in the morning. This night you will deny me 3 times before the rooster crows in the morning. तो तब फिर यीशु ने उसको बताया कि आज रात ही इससे पहले कि मुर्ग बांग दे तू 3 बार मेरा इनकार करेगा. 3 बार ही यीशु ने उससे पूछा था और यही उसने कहा कि तू 3 बार ही मेरा इनकार करेगा. He's not trying to be mean to Peter. वो कोई चाल नहीं चल रहे थे पत्रस के साथ. But he's trying to reveal to Peter his own heart, right? बल्कि वो पत्रस का दिल ही उसको दिखा रहे थे कि ये तेरा दिल है. Peter, when he was hurt, he said, Lord, you know all things. You know that I love you. जब पत्रस ने सुना उसने कहा नहीं है यीशु तू जानता है मैं तुझे अजीज रखता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ. But it's because Peter, or because Jesus knows all things, that he knows even though in Peter's heart he desires. Sorry. It is because Jesus knows all things and in his heart he knows that Peter desires to follow him. ये इस वजह से था कि खुदावन यीशु मसीह पत्रस के दिल का तमाम हाल जानता था कि वो आइंदा क्या करने वाला है वो भी जानता था. But the truth is, in our flesh, we are weak, right? In our flesh, we are weak, right? लेकिन ये बात सच है कि जब तक हम अपने बदन में हैं, हम कमजोर हैं. Because in our flesh, we deny Jesus.
क्योंकि अपने बदन में रहते हुए तो हम यीशु का इनकार कर सकते हैं. And so Jesus is revealing to Peter his heart. Jesus is revealing to Peter his heart. This must be the internet on your end. Oh, I see you're locked up there. Just wait a second here to see if we get our internet back on our translator. Do we have another translator? Are you there now? Say again. Baji Parveen, aap kare. Haan ji. Hello. Okay. Somebody's. Okay, here we go. Are you there? Yeah. Okay, so Peter had a big desire, but he's weak in his flesh, right? हाँ, पत्रस का दिल तो बहुत ज्यादा था यीशु के साथ, लेकिन वो चूंकि अपने बदन की हालत में मौजूद था तो वो कमजोर था. We are the same way. आज हम भी ऐसे ही हैं. What Jesus is revealing to Peter here, जब यीशु ने It is also being revealed to us. ये आज हम पर भी जाहिर कर रहा है वो. The desire of our heart is not enough. हमारे दिल की ख्वाहिशें ही काफी नहीं हैं. It is only total dependence on Jesus that we are able to do what we're called to do. ये सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है कि जो कुछ भी हमें करना चाहिए वो हम अपना आप यीशु को दें ताकि वो हमारी जिंदगी में अपनी मर्जी को पूरा करे. Our own strength is not sufficient. हमारी अपनी ताकत ही काफी नहीं है. Because it's easy for us to get focused on the things of this world, right? क्योंकि बहुत आसान है कि हम इस दुनिया की चीजों पर नजर करना शुरू कर दें. It's easy for us to come to a place where we're looking at the 153 fish rather than the calling that God has called us to. ये बड़ा आसान है कि हम उन सारी नेमतों बरकतों की तरफ नजर करते रहें और दुनिया और उसकी चीजों की तरफ नजर करते रहें इस 153 मछलियों की तरह, बजाय इसके कि हम यीशु की बुलाहट पर नजर करें. I have seen so many people over the years. मैंने इतने सालों में बहुत सारे लोग देखे हैं. That God has called them. कि खुदा ने उनको बुलाया था. But they have allowed the concerns of this world to take away the calling that God has called them to. लेकिन उन्होंने इस दुनिया की तमाम चीजों और आसाइशों की तरफ देखना शुरू कर दिया और वो बुलाहट जिसके लिए यीशु ने उन्हें बुलाया था उससे हट गए. None of us have the strength to resist the things of this world because we are living in the flesh. हम अब चूंकि अपने बदन की हालत में रह रहे हैं तो हम इस दुनिया से अपनी ख्वाहिशात को बाज रख ही नहीं सकते. We need to humble ourselves and say, Lord, I can't do this without you. हमें खुदा के सामने आजजी करनी है और उसको कहना है कि खुदा मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता. And the amazing thing is Jesus, just like he was with his disciples here. और याद रखिए कि यीशु मसीह वो है जो जिसने शागिर्दों पर जाहिर किया वो आप पर भी जाहिर करेगा. He's patient with us and he continues to encourage us. उसका सबर हमारे साथ है और वो हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार है. He didn't go up to the Sea of Galilee and say, "What are you guys doing here? You're supposed to be in Jerusalem." वो गलील की तरफ इसलिए नहीं गया था कि वो शागिर्दों को छिड़के या डांटे, ये क्या कर रहे हो, तुमने फिर से ये करना शुरू कर दिया, यहाँ से मैंने तुम्हें रोका था, मना किया था. I didn't send you out to the Galilee to go fishing. मैंने तुम्हें गलील को इसलिए नहीं भेजा था कि जाके मछलियां पकड़नी शुरू कर दो. But he used that opportunity to touch them. लेकिन उसने इस मौके को इस्तेमाल किया ताकि वो उनको छू ले. And to reveal their heart to them. और उनके दिल का हाल उन पर जाहिर कर दे. So that they could deepen their relationship with Jesus. ताकि उनका जो रिश्ता है वो यीशु के साथ और गहरा हो जाए. And understand the call that God had on their life. और वो इस बात को समझ सकें कि उनकी जिंदगी यीशु के साथ कैसी है. As long as we are living in this world.
जब तक हम इस दुनिया में रह रहे हैं. Life is not going to be easy. जिंदगी आसान नहीं होगी. You know, Paul says the mere inconvenience of this life is nothing compared to the glory that is waiting for us. याद रखिए, पौलुस रसूल ने कहा था कि ये दुनिया और इसकी आसाइशें हमारे लिए कुछ भी नहीं है उस आसमानी बादशाहत के सामने जो खुदा यीशु ने हमें दी है. But what he calls mere inconveniences, we would think we're going through the belly of hell or something. वो इनकन्वीनियंस का जो जिक्र उसने किया उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो मौत के मुंह में रहना शुरू कर देंगे. You know, we need to just to focus our eyes on Jesus, right? बस हमें अपनी नजरें जो है वो अपना ध्यान ज्ञान जो है वो यीशु पर लगाना है. And allow his strength and his wisdom to guide us through the calling for which he has called us. और इजाजत दीजिए यीशु की उस कुवत को ताकत को जो वो हमें देगा कि हम उसकी बुलाहट और उसके बुलावे पर चलें और उसको कबूल करें और उसको पूरा करें. Our time on this earth, हमारा वक्त इस दुनिया पर, is to prepare us for what's coming in glory. उस जलाल के लिए तैयारी का वक्त है. The life this world has to offer. जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलेगी. Will lead to destruction and death. और ये दुनिया हमें तबाही की तरफ ले जाएगी. But when we deny ourselves. But अगर हम अपनी खुदी का इनकार करेंगे. And we follow Jesus. और यीशु के पीछे चलेंगे. He will give us life. वो हमें जिंदगी देगा. And life to the full. और कसरत की जिंदगी देगा. May the Lord bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे. May he give you strength in the trials and tribulations that are set before you. खुदावंद आपको इतनी ज्यादा जो आजमाइशें हैं उन पर पूरा काबू पाने की हिम्मत ताकत दे. May every plan that the devil has for you come to nothing. और अबलीस का बनाया हुआ हर प्लान जो आपके खिलाफ है वो सब जेर और पस्त हो जाए. And may the victory and the testimony be accredited to Jesus. ये जो फतह याबी है यीशु की गवाही की वो आपकी जिंदगी में भरपूर तरीके से काम करे. As we give him glory and we give him thanks. जब जैसे जैसे हम उसे जलाल दें और उसका शुक्र अदा करें. Hey, Brother Frubel, over to you. आमीन. Thank you so much, Pastor, for a wonderful sermon. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस्लाम के लिए जो जिंदगियां बदलता है. We thank God for this beautiful and wonderful word of God who can change the lives of each one of us. मैंने खुद बहुत बरकत पाई है इस्लाम के वसीला से. I myself am very much blessed by this word of God. तो आज हम पास्टर फ्रीक के बारे में उनकी पेशी है अगस्त 26 को 26 अगस्त को तो उसके लिए स्पेशल प्रेयर में रखेंगे क्योंकि लास्ट अप्रैल में 26 अप्रैल को ये हुई थी उनकी पेशी तो उसमें वो लड़की जो है वो पेश नहीं हुई थी तो नेक्स्ट भी ना हो तो वो केस फ्री हो जाएगा फिर. We will specially pray for Pastor Rafiq because he has the second hearing on 26th of August. He has the first hearing on 26th of April. Yes. And now he has on 26th of August. That girl was not in the court on that previous hearing. So if she is not available on the second hearing, then the case will be in case will be dismissed in pastor's favor. So we will pray for him. हम सारी दरखास्तों के लिए जितनी चैट बॉक्स में हैं और सारे रिफ्यूजी लोगों के लिए पाकिस्तान के लोगों के लिए थाईलैंड के लोगों के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा इनकी जिंदगी में कसरत से काम करे और अपनी बरकत को जाहिर करे. So we will pray for all the prayer requests that are in the chat box. And we will pray for the people of Thailand and the people of Pakistan. I want to testify, please. I want to give a testimony.
Last Friday, I gave a prayer request for my husband, and I want to tell you that by your prayers, he is much better now. He has gone to the doctor, consulted with the doctor, gave the medicine, and that medicine is much effective for him, and he is now healing day by day. And I have a prayer request also, because tomorrow night I am going to travel, so please pray for my safe arrival in UAE. I will be traveling at night, so keep me in your prayers. Pastor Stewart, please lead us in prayer and pray for mic all off the prayer please aap apne kitne ho sab apne mics off kar dein please Pastor Stewart, turn on your yeah mic. I'm just trying to get my mic turned on here. Father, we just thank you for this time that we've had together. Father, we just pray for each one of these things that are in the chat box. Father, we just lift up Pastor Rafiq to you. Father, we just pray that your will be done on that situation. We thank you, Father, that you are working with him to expedite this case. Father, we just pray for those who are sick today. We thank you for the testimony of Shigafta's husband who was healed. Father, we just pray for each one that is requiring, the one whose grandfather has been on his deathbed for some time. Father, just be with the family, be a comfort to them, Lord. And we just pray for kids ministry here and for the husband looking for a job. Father, we just thank you that you are the one who looks after all these things. Father, for provision and protection and favor on a mission trip that Israel is going on. Father, just be with him on that. And also for Sister Shigufta, who's going to be traveling. Father, we thank you that you are watching over all your loved ones. And we thank you for each one and the assignment that you have given them. Lord, may you bless each one today. Father, we thank you for the time we've had together. May it be a blessing to each and every one. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless you, Pastor Ji. हम सब मिलके वही दुआ करेंगे जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई है मिलके कहेंगे ऐ मेरे बाप तू जो आसमान तेरा नाम पाक मांगा जाए तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हम दे जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू हमारे कसूर में माफ कर आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक करे आमीन अब हमारे खुदा मुझे का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाकरू की रफाकत और शराकत सारी आलमगीर क्लास क्लिसिया के साथ पाकिस्तान के साथ थाईलैंड के साथ कैनेडा के साथ और जहां जहां ईमानदार लोग हैं यीशु मसीह की बरकत यीशु मसीह की सलामती वहां पे होती रहे आमीन इसराइल की सलामती हो I just want to say next week we will be finishing the book of John. So come prepared with any questions that you might have on what we've studied. Can you say that? अगले हफ्ते हम अंजील को खत्म कर देंगे. So अगर आपने किसी ने भी कोई सवाल पूछना है तो आप तैयारी के साथ आ सकते हैं ताकि at the end of this book कोई भी question हो तो मैं फिर उसका answer करूँगा. ये हमारे दरमियान भाई ब्रदर इसराइल कहाँ से हैं सिस्टर जरा पूछें से. ब्रदर इसराइल फ्रॉम वेयर आर यू हु इज ही यस टर्न ऑन योर माइक या थैंक यू सो मच आई एम इसराइल स्टैनफोर्ड ओरिजिनली फ्रॉम मलावी बट आई एम बेस्ड मोस्टली इन इसराइल आल्सो. And right now, I'm in Eswatini, a country in Africa, on missions. So Pastor Stewart is the one who brings me here.
Who brought you? Who told you about this meeting? Pastor Stewart. I've been here quite a number of times. पास्टर स्टुअर्ट अच्छा पास्टर स्टुअर्ट ने इनको बताया था इस मीटिंग के बारे में और ये मलावी से ही हैं लेकिन इस वक्त इजराइल में हैं और अफ्रीका का एक कंट्री है वहां पर हैं इस वक्त मौजूद ओके डियर ब्रदर गॉड ब्लेस यू खुदावंद आपको बरकत दे आमीन ओके गॉड ब्लेस यू ब्रदर यू आर वेलकम एंड यू कम एवरी फ्राइडे ओके Yes, definitely. This is actually not my first ride. I've been here quite a number of times. Mm-hmm. Yes, I've seen him here many times. And he always writes me and lets me know how much he enjoys it. People turn off their cameras, so we don't know them. If they on their cameras, then we can see their faces also. Yeah. सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो सारे अपने कैमराज ऑन रखा करें ताकि पता चले कि कौन कौन मौजूद है वहां पे जी गुड इवनिंग मैं आप सबको बरकत दे जी पास्टर सरफराज और पाकिस्तान से हूँ तो आज फर्स्ट टाइम मैंने क्लास अटेंड की है और मैंने बहुत ज्यादा खुदा के कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव किया है So, Pastor Shiver God के लिए thank you so much और आपके लिए भी You're welcome, thank you Next मैं जो है मैं जरूर वीडियो ऑन करूंगी ठीक है ये तो अचानक से आज मैंने बस लिंक देखा और मैंने बस बैठ के क्लास में तो नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा तो कितनी हफ्ते में कितनी बार ये क्लास होती है प्लीज मुझे बताइए फ्राइडे को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे जी जी ठीक है जी आप वो लोगों को भी इसमें ला सकते हैं कोई जो भी आना चाहे इस मीटिंग में बाइबल क्लास में शामिल हो सकता है जी ठीक है मेरे हस्बैंड पहले पास्टर सीवर गोल्ड की ये क्लास अटेंड करते थे तो अचानक 3 साल हो गया मेरे हस्बैंड जो है पास्टर थे और अचानक से ये हमारी जिंदगी में आजमाइश आई टेस्ट आया तो वो पैरालाइज्ड हुए तो खुदावंद का शुक्र है अब वो चल रहे हैं बोलते भी हैं लेकिन थोड़ी सी वीकनेस अभी है बाजू में पांव में और बोलने में ब्रेन हेमरेज भी साथ हुआ था तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सारी टीम से और पास्टर शिवर गोड से तो उनको अपनी दुआओं में खुशी याद रखें और ताकि जल्द खुदा का खादम जो है वो उसकी खिदमत के लिए कलाम की खिदमत के लिए बहाल हो सके जी जी सिस्टर जरूर खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत आपके हस्बैंड की जिंदगी में काम करे वो जल्दी उठ के खड़े हो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गॉड ब्लेस यू ऑल प्रेज द लॉर्ड सर सलाम पर साहब मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें वो भी पैरालाइज हो गए उनके उनके लिए दुआ करें जरा प्लीज प्रे फॉर नसीम लाल हस्बैंड ही इज ए पैरालाइज क्लास में मतलब हो गया बहुत मजा है बरकत बाजी दिखाएं जरा Okay, Father, we just pray for this lady's husband who's been paralyzed. Father, we just ask you to touch him. Father, just bring healing to his body in Jesus' name. We rebuke the devil. We rebuke any sickness he's brought. We rebuke all paralysis in Jesus' name. And we just pray healing. We just pray for him to come and give us a great testimony next week. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you. God bless you. God bless you all. Khudavand aap sabko barkat de. Also for us, praying, please remember. God bless you, Pastor. Thank God you. Bless. Bye. Good See message. You next week. God bless you. Good message. Good message.